दोस्तों, आज हमने आप लोगों के लिए टेंडम बॉक्स और एसएस बास्केट में क्या डिफरेंस है और ये कैसा फिनिशिंग आता है और इसका मार्केट प्राइस कितना पड़ेगा और ये हमारे किचन को कैसा लुक देगा, तो आप इस वीडियो को यदि पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको ये एक आइडिया आ जाएगा। तो हमारे किचन में टेंडम बॉक्स लगाए या एसएस बास्केट लगाए तो ये हमारे किचन का कैसा लुक देगा। तो आज हम डिटेल टेंडम बॉक्स और एसएस बास्केट के ऊपर में बातें करेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। जब आप अपने किचन बनाते हैं तो आपको आप ये वीडियो आपकी हेल्प करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहें। दोस्तों, वायर बास्केट के बारे में बात करें तो वायर बास्केट एक होता क्या है। वायर बास्केट एक अपने चारों तरफ से वायर का तरह से एक अपना मेटेरियल से एसएस मेटेरियल से बना होता है और ये जो है आपका दो ग्रेड में आता है, 3.0 फोर ग्रेड में आता है, 2.0 ग्रेड में भी आता है। तो दोनों में कंपेयर करें तो आपका 3.0 जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें जो है मामर का चांस नहीं होता है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग में काम आता है। तो इसकी जो थिकनेस की बात करें तो 3 mm से लेके 7 mm तक थिकनेस होता है और कंपनी जो है इसको 2 से 3 साल की वारंटी भी मिलती है। और आप यदि अपना किचन बनवाना चाहते हैं और यदि कम बजट में बनवाना चाहते हैं तो आप इस बास्केट के तरफ जा सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस बात करें तो ये आपको 1500 से लेके 2500 के अंदर में आपको मिल जाएगा। आप कभी भी यूज करें तो 3.0 ग्रेड का बास्केट यूज़ करें, जिससे कि आपका किचन में जो बास्केट यूज कर रहे हैं उसमें मामर नहीं पड़े और लॉन्ग लास्टिंग में काम आए। और वायर बास्केट को जो होल्ड करता है वो जो होता है एक टेलीस्कोपी। आप टेलीस्कोपी के अच्छे ब्रांड को लें जिससे कि आपका वायर बास्केट जो है काफ़ी अच्छा से लोड कैरी कर पाए और अच्छा से चल पाए। और वायर बास्केट की साइज़ की बात करें तो ये डेप्थ की बात करें तो ये 15 इंची, 17 इंची, 19 इंची और 21 इंची में मिल जाएगा। हाइट की बात करें तो 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची में मिल जाएगा। और इसकी गहराई की बात करें तो 20 इंची, 22 इंची और 24 इंची में आपको अवेलेबल है। और ये जो वायर बास्केट की बात करें तो वायर बास्केट जो है मेड ऑफ इंडिया होता है और ये कोई भी कारपेंटर आप इजी से इसको लगा सकते हैं। लोड कैपेसिटी की बात करें तो वायर बास्केट जो है आपका 15 kg, 20 kg, 25 kg आपका लोड ले सकता है। आप अपने टेलीस्कोपी पे निर्भर करता है। आपका टेलीस्कोपी यदि आपका काफ़ी हैवी है तो आपका वायर बास्केट 15 kg, 20 kg, 25 kg आपका लोड ले सकता है। तो वायर बास्केट जो काफ़ी अच्छा होता है और आप वायर बास्केट की तरफ भी जा सकते हैं। और टेलीस्कोपी की बात करें तो टेलीस्कोपी भी आपका दो तरीका का आता है, एक तो होता है नॉर्मल होता है, एक सॉफ्ट क्लोज होता है। आप यदि चाहेंगे अपने वायर बास्केट में तो आप सॉफ्ट क्लोज के भी तरफ जा सकते हैं और टेलीस्कोपी के नॉर्मल टेलीस्कोपी के भी तरफ जा सकते हैं। और प्राइस रेट की बात करें तो टेलीस्कोपी जो है मार्केट में आपको 450 से लेके आपको 650 के अंदर में मिल जाता है। आप बात करते हैं डॉयर सिस्टम यानी कि टेंडम बॉक्स। तो टेंडम बॉक्स जो है हम लोगों को जो फ्रंट पैनल है, बैक पैनल है और जो नीचे में लगा हुआ होता है वो एक तरह का वुड का वुड होता है और बगल से जो है जो चैनल टाइप बना होता है जो वो कंपनी बनाती है और वो एक तरह का हम लोग को बॉक्स का तरह दिखता है। टेंडम बॉक्स के बेस कंपनी की बात करें तो ये हाफेल कंपनी है जो इनिटेक्स के नाम से हाफेल कंपनी है जो इनिटेक्स नाम से हम लोग जानते हैं और हीटेक्स कंपनी है जो टेंडम बॉक्स के नाम से जानते हैं और इसी तरह का इको और सारे बहुत सारे कंपनी हैं। टेंडम बॉक्स जो है आपका जो मेड फॉर जर्मनी है, ये बाहर का है इसीलिए इसका दाम भी ज़्यादा है। और इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा फिनिशिंग लगता है और ये एक सॉफ्ट क्लोज सिस्टम में आता है। जो टेंडम बॉक्स है उसके ऊपर में जो हम लोग कटलरी का यूज़ करते हैं वो एक पीवीसी का प्लास्टिक का बना हुआ एक अलग अलग पार्ट का डिवाइडर बना होता है जो हम लोग उसमें अपने
सामान को रख सकते हैं और बाद में उसको वॉशेबल कर सकते हैं। और टैंडम बॉक्स का जो चैनल की बात करें तो वो अंडरग्राउंड होता है, वो आपको बाहर से दिखता नहीं है और वो काफ़ी अच्छा होता है। वारंटी की बात करें तो टैंडम बॉक्स लगभग जो है 10 साल का वारंटी आपको मिलता है। और हम प्राइस रेट की बात करें तो टैंडम बॉक्स जो है आपको 5,000 से लेकर 7,000 के अंतर में आपको मिल जाएगा। और लोड के ऊपर बात करें जो टैंडम बॉक्स जो है वो आपका 30 kg, 35 kg, 40 kg, 50 kg, आप जिस हिसाब से चाहे आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो टैंडम बॉक्स का जो है फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, अच्छा होता है, वो स्मूथ होता है, वो अच्छा किचन का लुक देता है। अब बात करेंगे टैंडम बॉक्स और एसएस बास्केट में लगाने में डिफरेंस क्या है। तो अपना एसएस बास्केट जो है वो थोड़ा सा नॉइसी होता है और टैंडम बॉक्स जो है आपका स्मूथ होता है। और आपका जो है एसएस बास्केट होता है वो देखने में अच्छा होता है, गुड होता है, और बट टैंडम बॉक्स का जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और इसके फिनिशिंग काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और जो है एसएस बास्केट कोई भी मिस्त्री कारपेंटर आराम से इसको यूज़ कर सकता है, लगा सकता है आपके किचन में। और जो एसएस बास्केट जो आपका टैंडम बॉक्स है वो जो है कंपनी ज़्यादातर कंपनी के लोग ही उसमें यूज करते हैं। और एसएस बास्केट जो है मेड फॉर इंडिया होता है, जबकि टैंडम बॉक्स मेड ऑफ जर्मनी होता है। और एसएस बास्केट में बात करें तो 304 का ग्रेड का जो है 1500 से लेकर 2500 तक आपको मिल जाएगा। और टैंडम बॉक्स की बात करें तो ये आपको 5000 से लेकर 7000 के अंदर में मिल जाता है। और वारंटी की बात करें तो 304 एसएस बास्केट है वो तो आपको कभी ख़राब होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो ग्रेड अच्छा है, अच्छा स्टील लगा हुआ, उसमें मामड़ भी नहीं लगेगा, बल्कि थोड़ा सा पानी से दूर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और यदि आप टैंडम बॉक्स की बात करें तो 80,000 साइकिल यानी कि 10 साल तक आपको इसका वारंटी मिलता है। दोस्तों आप यदि आपका बजट यदि आपका काफ़ी ज़्यादा है, आपका बजट अच्छा है आप अपने किचन की तरफ, तो आप अपने टैंडम बॉक्स की तरफ जा सकते हैं। और यदि आपका बजट कम है तो आप अपने वायर बास्केट की तरफ जा सकते हैं जो 304 ग्रेड का आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैंडम बॉक्स और एसएस बास्केट में क्या डिफरेंस है, कौन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया होगा। तो हम इसी तरह का वीडियो लेके आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी बात में आपको प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई दिक्कत है, आपको किसी तरह का नॉलेज चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।